इस लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है तो हाउ आर यू मैनेजिंग? नहीं यार, अभी लॉकडाउन में जैसे लास्ट 2 मंथ से काफी सब बंद है। जैसे सबको ही पता है, पूरे हर जगह सारे स्पोर्ट्स में कोई फैसिलिटीज अभी ओपन नहीं है। सो मैं घर में ही यार वर्कआउट कर लेता हूँ। लास्ट 2 मंथ से घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ और अपना टेरेस पे थोड़ा रनिंग वगैरह। सो घर पे वर्कआउट रेगुलर एवरी ऑल्टरनेट डे चालू है। ओके, तो घर पे आपका प्रॉपर वर्कआउट चल रहा है, तो बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। लाइक जैसे फिटनेस ड्रिल्स अलग होती है, बट आप एक फास्ट बॉलर हो और हाँ अभी जी आपने हैदराबाद रिप्रेजेंट करना है, तो बिल्कुल। अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? मतलब इस टाइम पे हाउ मैक्सिमाइजिंग योर प्रैक्टिस? नहीं, बॉलिंग प्रैक्टिस तो अभी पॉसिबल ही नहीं है यार, क्योंकि बॉलिंग के लिए तो विकेट्स वगैरह चाहिए, तो अभी ओपन ही नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट मंथ से सारे अकेडमीज और सारे सब कुछ खुलेंगे। लेकिन बीच बीच में मैं घर पे थोड़ा ड्रिल्स वगैरह अपना बॉल हाथ में लेके करता रहता हूँ। सो होपफुली नेक्स्ट मंथ से, अभी जब सारी अकेडमीज वगैरह खुलेंगी, तो अभी फिर बॉलिंग अपना धीरे धीरे स्टार्ट करना। बिल्कुल सही बात। जी, तो नेक्स्ट मंथ से फाइनली आप अपनी वो स्विंग की धार वापस ला सकते हो मैदान पे। काफी मिस कर रहे होंगे बिल्कुल वैसे आप इन बिल्कुल सबको। बिल्कुल मिस यार। करते हो ऐसा मैं फास्ट? बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं ही नहीं, काफी जितने भी और क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जितने भी एथलीट हैं अभी यार, उनके लिए तो जो स्पोर्ट्स है उनका, अच्छा कोई भी स्पोर्ट्स ले लो आप, तो वो मिस तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि 2 महीने हो गया घर में बैठे बैठे। जी, सही सो बात। आई होप कि जितने भी एथलीट होंगे वो घर पे अपना ट्रेनिंग वगैरह जो भी कर रहे होंगे वो। हाँ, राइट। तो अच्छा, वैसे आपने अपना पहला डेब्यू रणजी सीजन खेला उत्तर प्रदेश की तरफ से, और हाँ डेब्यू जी सीजन में ही आपने 41 विकेट्स लिए थे। तो हाँ जी हाँ जी लाइक आपका डेब्यू सीजन था, आपने इससे पहले फर्स्ट क्लास नहीं खेला था, तो उस बिल्कुल। सीजन में आपको ऐसा क्या लगा? क्योंकि आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, तो ऐसा आपके क्या की थिंग्स थी जो आपने उस वक्त यूज करी, जो आप पहले सीजन से ही आप ने 41 विकेट, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो कैसे लिए थे आप, क्या बता सकते हैं आज? देखिए, जैसे काफी लोग, सबको पता है कि मैं जूनियर क्रिकेट खेला नहीं था इतना। सो यस, सीधा मैं मेरे अंडर 23 के मैं 1 या 2 मैच खेला था, फिर सीधा रणजी ट्रॉफी खेला था। सो ऐसा कुछ माइंड में तो था नहीं यार उस साल की, मैंने जब मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था इंडिया का, तो ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। मैं ब्लैंक माइंड से खेल रहा था, बस ये था कि एक जुनून कह लीजिए या एक वो कह लीजिए कि मेरे को अच्छा करना है, अच्छा करना है, तो बस यही था। उस साल मैंने काफी हार्डवर्क भी किया था, और उसमें फिर मेरे टीम का काफी सपोर्ट भी रहा, स्पेशली कैप्टन का, जो कैफ उस टाइम पे कैप्टन थे, तो उन्होंने सपोर्ट भी बहुत जी किया जी मेरे पे, बहुत उन्होंने को विश्वास भी किया। सो आई थिंक उसी वजह से मैं उस साल हाईएस्ट विकेट टेकर रहा था इंडिया का। तो ऐसा कुछ सोच के नहीं गया था, सिर्फ बस जाके ये सोच रहा था कि बस मेरे को जाके अच्छा परफॉर्म करना है और अपनी टीम को जिताना है। सो दैट्स इट। ओके, तो यू केप थिंग, आपने चीजों को बड़ा सिंपल रखा और बिल्कुल आपको रिजल्ट्स मिले थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपने डेब्यू अपना 2009 में ही कर लिया था, मतलब रणजी कॉलअप के 2 साल में। हाँ डेट जी वॉज अगेंस्ट श्रीलंका, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ जी, इंटरनेशनल अगेन, कैसी फीलिंग थी? नहीं, एक इंटरनेशनल खेलना तो हर किसी प्लेयर का एक ड्रीम होता है। सो मेरा भी एक ड्रीम पूरा हुआ जब मैं कंट्री के लिए खेला। सो वो फीलिंग एक अलग जी, ही होती है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। सो ये बहुत अच्छा मेरे को लगा और पूरा फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। ओके। तो आई गेस वो मैच दिल्ली में हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका, बिल्कुल एंड बिल्कुल, दिल्ली में अनलकली ड्यू टू बैड पिच वो मैच रोक दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो विकेट अच्छा तो नहीं था तो उस वजह से वो उसको रोक दिया गया था। सो वो बिल्कुल ऑलरेडी आपने पर एक विकेट ले लिया था, बिल्कुल, मैं संगकारा को आउट कर चुका था, मेरा फर्स्ट विकेट संगकारा ही है। बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ये बताइए, आपने ड्रेसिंग रूम शेयर शेयर किया ग्रेट लोग के साथ, लाइक बिल्कुल। धोनी एंड लाइक सचिन एंड सहवाग एंड ऑल, सो हाउ वाज इट ऑल? इन लोगों के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, बहुत लंबे समय तक किया है, तो इनके साथ बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब हाउ डिड सचिन पाजी यूज टू गाइड द यंग प्लेयर्स इन द न्यू कमर्स? नहीं बिल्कुल यार, जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर थे इंडियन टीम में, जो यंगस्टर आते थे, मैं था, मेरे बाद जितने भी यंगस्टर थे उससे पहले थे, बहुत सपोर्टिव थे सबके लिए। और धोनी के साथ तो मैं उससे पहले भी खेल चुका था चेन्नई सुपर किंग में। सो जब वो अलग था, लेकिन जब मैं इंडियन टीम में गया तो सचिन
अजय के साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर किया तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब जिनको हम टीवी पे देखते थे, जिनके लिए हम मैचेस देखते थे कि वो टीम को जिताएंगे, सो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो एक्सपीरियंस मतलब बयान नहीं कर सकते कि कैसा, मतलब एक ड्रीम कम ट्रू था वो। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ जितने भी हमारे लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जितने भी सीनियर्स थे, सारे सीनियर्स बहुत सपोर्टिव थे यार। जूनियर्स का जो भी नया आता था तो सबको सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे। अगर हम कुछ जाके पूछते भी थे तो बिल्कुल हमको हेल्प करते थे, गाइड करते थे कि ऐसा करो ऐसा करो। सो अच्छा था सब कुछ। अच्छा, तो मतलब आप धोनी के अंडर तो पहले से ही सीएसके से खेल चुके थे बिल्कुल और बिल्कुल आपने सीएसके में काफी टाइम स्पेंड किया। मैं बिल्कुल काफी प्लेयर से सुनता हूँ कि सीएसके का जो माहौल है, जो फ्रेंचाइजी का, जो डगआउट का माहौल है, वो और टीमों से थोड़ा ज्यादा अच्छा और अलग है। तो हाँ ऐसा जी। क्या है सीएसके के? जी सीएसके का देखिए एक बहुत बेसिक तो वो जो प्लेयर्स को एक एज ए फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं अपने, ऐसा नहीं है कि एज ए प्लेयर की तरह वो ट्रीट करते हैं। तो वो जितने भी सारे प्लेयर्स को एक ही, मतलब जूनियर हो या सीनियर हो, सबको एक ही तरह ट्रीट करते हैं। तो सबसे अच्छी खासियत उस फ्रेंचाइजी में वो है। और दूसरा उसमें धोनी थे। सो धोनी अपने अंडर में जितने भी हमारे जूनियर्स थे चेन्नई सुपर किंग में भी, और जो वो फ्रेंचाइजी के ओनर थे, सब बहुत अच्छा ख्याल रखते थे। सो इट्स अ वेरी गुड फ्रेंचाइजी। ओके ओके। हाँ हाँ जी लाइक जैसे धोनी का जो इन्वॉल्वमेंट था वो टीम में, आई गेस चेन्नई सुपर किंग्स में तो पूरी तरह से रहता है। तो हाँ जैसे जी कि एक कैप्टन होता है, हाँ उसके जी कुछ बिल्कुल प्लेयर्स होते हैं जो 10-15 जिसको वो प्लेइंग 11 में खिलाया करता है, और आईपीएल में जो स्क्वाड होती है वो 18 से 25 प्लेयर्स की होती है, ठीक बिल्कुल बिल्कुल है? तो लाइक वो पूरे स्क्वाड को कैसे मैनेज करते थे लाइक, क्योंकि मुझे ये जानना है कि जिनको वो मौका देते थे और जिनको बाय चांस नहीं दे पाते थे, तो बेसिकली जिनको बाय चांस कभी मौका नहीं मिलता था क्योंकि टीम का बैलेंस ऑलरेडी हाँ हिट हो जी हाँ जाता जी है, तो उनसे कैसा उनको गाइडेंस करते थे, क्योंकि ये बहुत एक जरूरी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे क्या मैंने आप बता आपको सकते हैं कि बिल्कुल जैसे पहले मैंने आपको बोला कि वो चाहे सीनियर, कितना भी सीनियर प्लेयर हो, जितना भी डोमेस्टिक प्लेयर, जूनियर प्लेयर हो, सबको एक तरह से देखते थे। सो जो हमारे कोच थे फ्लेमिंग, और तो जो प्लेयर खेलते भी नहीं थे उनको हर मैच या सेकंड मैच के बाद आके मिलते थे, बात करते थे, तो बोलते थे कि आप परेशान मत हो और आपको मौका मिलेगा। जैसे आपने बोला, एक जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसको आप तोड़ नहीं सकते। सो जो बाहर बैठे हुए प्लेयर, उनको बिल्कुल लगता है हम कब खेलेंगे हम कब खेलेंगे। सो इस मामले में धोनी भी बात करते थे, जो बाहर प्लेयर बैठे थे नहीं खेल रहा है, या फिर जो प्लेयर बाहर बैठा है कि उसके साथ उनको नहीं करो। पूरे टीम एक ट्रेवल करता था साथ में, ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जिसको वो छोड़ के जाते थे। सारी टीम के साथ सब प्लेयर को लेके वो ट्रेवल करते थे, और सबको जो हमारे कोच थे वो इंडिविजुअली बात करते थे। जो नहीं खेलते थे उनको पूरा नेट्स में उतना ही टाइम मिलता था जितना प्लेइंग इलेवन वालों को मिलता था। सो ऐसा कभी लगता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था कि जो बाहर बैठे हैं उनको ऐसा फील हो कि नहीं हम लोगों को नहीं खिला रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं। सो जैसे मैंने पहले, इसीलिए वो हाँ नंबर वन फ्रेंचाइजी है अभी। सो वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह रखते हैं चेन्नई सब। फॉर बिल्कुल श्योर। वैसे मैंने स्टीफन फ्लेमिंग का, मेरा अगला यही सवाल था कि मैंने स्टीफन फ्लेमिंग की बहुत तारीफ सुनी कि ऐसा कोच, और वो लगातार 12 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा कोई बिल्कुल कोच नहीं है आईपीएल क्रिकेट में जिसने 12 साल तक मतलब एक ही फ्रेंचाइजी को काम दिया है। अब 2 साल बिल्कुल बीच में बिल्कुल सीएसके पे बैन लग गए तो एक अलग टाइम है वो, और उसके दौरान भी वो सीएसके के साथ बने रहे। तो ऐसा आपकी बिल्कुल कोचिंग में क्या है, और आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम के फ्यूचर वो कोच अगर बने तो बिल्कुल क्या उनके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडियन क्रिकेट को लेके? नहीं है कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे वो। आई थिंक 100 से जी ऊपर वो टेस्ट मैच खेले हैं। सो आप उससे ही पता कर सकते हैं कि उनको कितना एक्सपीरियंस है। जो प्लेयर 100 से जाहिर सी ऊपर बात। टेस्ट मैच खेलता है तो उसको पता है कि क्या है होता है, मतलब क्रिकेट कैसे खेला जाता है, कैसे खिलाया जाता है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। और उन्होंने अपने कंट्री के लिए भी काफी साल कैप्टनशिप की थी, तो उससे भी बहुत बड़ा हेल्प किया मिल रहा है। उन्होंने। जी जी सो जो उनका कोचिंग स्टाइल है बहुत, मेरे को जो लगता है डिफरेंट है। वो किसी पे इतना प्रेशर नहीं डालते कि ऐसा करो वो करो। सो जो माइनर सा मिस्टेक रहता है, सी T20 में आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते, मतलब एकदम से चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि T20 एक अलग गेम है, डेज अलग, टेस्ट मैच अलग होता है जी और वनडे अलग। सो वो इतना प्रेशर नहीं डालते कि कैसा करना है वो करना है। जो माइनर माइनर मिस्टेक होती थी वो उसी पे ध्यान देते थे, और फ्रीडम देते थे खेलने का, चाहे वो धोनी हो या हमारे अच्छा कोच हो। सो वो दोनों का जो मतलब था सोचने का स्टाइल वो एक जैसा ही दोनों था। की केमिस्ट्री
बिल्कुल बिल्कुल, दोनों केमिस्ट्री एक था, तो कोई भी प्रेशर नहीं था किसी भी प्लेयर पे, सो आप फ्रीली खेलो, जी बस जी रिजल्ट का दे बोलते थे कि रिजल्ट आप ग्राउंड में अच्छा करो तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। सो ऐसा कुछ टेक्निकली जो छोटे मोटे टेक्निकल होते थे उस पर वो ध्यान देते थे कोच, और उसको बोलते थे कि आप ये सही करो ऐसे करो तो और फायदा होगा। वो भी ये बोलते थे अगर ओके आपको ये सूट कर रहा है तो आप वो करो। सो किसी पे प्रेशर नहीं था कि नहीं अच्छा आपको करना ही करना है या जैसे। सो आई थिंक इसी वजह से वो इतने बड़े कोच हैं, और ऑलराइट आई थिंक होपफुली वो फ्यूचर में भी इंडियन टीम के कोच बनेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा इंडियन क्रिकेट को। इंडियन क्रिकेट को, वही मुझे लगता है कि क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ तो खास बात होगी कि आईपीएल बिल्कुल जैसे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जहां कोच के कॉन्ट्रैक्ट्स 1-2 साल से ज्यादा 3 साल ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते और वो आज 12 साल बिल्कुल से हैं, तो कुछ ना बिल्कुल कुछ तो उनमें और सारे वर्ल्ड के कोचेस में डिफरेंस होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा एक और चीज ये है कि जैसे कि आप लोग, मैंने सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, क्रिकेटर से भी सुनता हूँ, एमएस धोनी द बैट्समैन एंड एज विकेट कीपर, और फास्ट बिल्कुल बॉलर और स्पिनर्स को काफी हेल्प करते हैं विकेट के पीछे से, तो बिल्कुल वो उनकी जो बिल्कुल। गाइडेंस है वो विकेट के पीछे से कैसे रहती है, क्या आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हैं? देखिए विकेट कीपर की गाइडेंस, चाहे धोनी हो या कोई स्टेट टीम का विकेट कीपर हो या किसी भी क्लब एनी विकेट कीपर, वो सबसे मेन होता है बॉलर के लिए, क्योंकि वो सबसे आसान एक व्यू होता है विकेट कीपर को देखना कि बॉलर कैसा बॉल डाल रहा है और क्या कर रहा है। और जी। अगर उसमें आप धोनी की बात करें तो वो तो बहुत हेल्पफुल होता था मेरे लिए, नहीं जितने भी और भी बॉलर्स थे चेन्नई सुपर किंग में जैसे। सो बहुत फायदा होता था, बोलते थे कि ऐसा डालो वैसा डालो। सो एनी विकेट कीपर नॉट धोनी, आप कहीं भी देखेंगे एक विकेट कीपर का बहुत बड़ा रोल होता है एक बॉलर के लिए। क्योंकि अगर बॉलर कभी कुछ खराब कर रहा हो तो सबसे पहले विकेट कीपर को पता लगता है कि आपका कैसे खराब जा रहा है, आपका खराब क्यों जा रहा है। सो विकेट कीपर, और चाहे इंडियन टीम हो चाहे CSK हो, सो उनका काफी हेल्प मिला बॉलिंग में मेरे को, उनका सारे बॉलर्स को। सारे बॉलर्स को, स्पिनर्स और पेसर दोनों को हेल्प करते बिल्कुल हैं, मतलब बिल्कुल एक बैट्समैन है तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो फास्ट बॉलर्स को गाइडेंस देते हैं। फिर बिल्कुल बिल्कुल। वैसे चेन्नई सुपर किंग्स में आपका फेवरेट लाइक कंपेनियन प्लेयर कौन था? लाइक आपके साथ मैथ्यू हेडन थे, आपके साथ माइक हसी थे बिल्कुल और तमाम प्लेयर थे, मतलब धोनी थे यार वो एनी टाइम, मगर ये मगर टीम जी पूरा जी अच्छा थी यार, अगर आप एक नाम बोलेंगे तो आप उसको एडमायर किसी करते थे? धोनी। लाइक आप एक फास्ट बॉलर थे, खान, तो ये दो बॉलर ऐसे थे मैं ऑलवेज इन्हीं को एडमायर करता था और उन्हीं को उनकी तरह ही बनना चाहता था। सो डेल स्टेन एंड जहीर खान। ओके तो मतलब ये बेसिकली आपके रोल मॉडल्स हैं, बिल्कुल बट विद बिल्कुल इन चेन्नई कैंप मतलब मैथ्यू हेडन को जहां तक हम उनके लाइक ऑफ फील्ड जानते हैं, थोड़ा सा वो एग्रेसिव ज्यादा है, तो ड्रेसिंग रूम में उनका कैसा बर्ताव रहता है मैथ्यू हेडन स्पेशली? बिकॉज वो मुझे थोड़ा से लाइक इज बिट लाइक एग्रेसिव आई फील। नहीं यार, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा। आई थिंक बाहर लगभग मैं 5 साल चेन्नई के साथ रहा तो मैथ्यू हेडन को ऐसे अग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, बहुत फ्रेंडली हैं, वही मैं पूछ रहा था। बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। सो मेरे को तो ओके नहीं लगता कि वो अग्रेसिव हैं बिल्कुल भी। आई गेस वो इंडो ऑस्ट्रेलिया राइवलरी की वजह से थोड़ा सा ज्यादा वो एग्रेसिव हो जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखिए जब कंट्री के मैचेस होते हैं वो अलग होता है, और जब आप एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें अलग अलग एक कॉम्पिटिशन होता है। तो मेरे को तो ऐसा लगा नहीं कभी कि वो अग्रेसिव थे या कैसे थे। सो ओके कूल ओके थे और अच्छे, तो हेल्पफुल थे। अच्छा काफी हेल्पफुल है, मतलब वो काफी कूल माइंडेड बिल्कुल है, मतलब कोई बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वैसे माइक हसी मिस्टर क्रिकेट उनको कहते हैं, बिल्कुल 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 तो ऐसा उनमें क्या है जो लोग उनको इतना एडमायर करते हैं? बिकॉज उनकी तो बहुत वन ऑफ द पूरेस्ट माइंड कहा जाता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। उनको इसलिए बोला जाता है आई थिंक, वो सोचते मतलब खाते पीते जो भी सोचते हैं वो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं हमेशा। सो अच्छा अच्छा जब वो टीम में भी थे तो सिर्फ क्रिकेट की बातें करते थे ज्यादातर, कि कैसे है ये कैसे हुआ। और इसी तरह थे मुरलीधरन और माइक हसी, ये दोनों साथ में बैठते थे और वो सिर्फ क्रिकेट की बातें करते थे। सो आई थिंक माइक हसी को इसलिए मिस्टर क्रिकेट कहा था कि वो सोचते भी सिर्फ क्रिकेट ही थे, खाते टाइम भी चाहे उनसे सिर्फ वो क्रिकेट की बातें करते थे। सो इसलिए उनको क्रिकेट की मिस्टर मुझे क्रिकेट कहा लगता है वो जाता है। सफर में भी केबीसी बोलते होंगे। मेरे को भी ये लगता है, जैसा वो बात है कि सिर्फ क्रिकेट की बातें करते थे, और एज ए प्लेयर तो वो वर्ल्ड क्लास है। बिल्कुल वैसे मुरलीधरन काफी पोलाइट है, तो मतलब बिल्कुल आपको उनके साथ भी आप लोग खूब मजे से करते होंगे आई गेस कैंप्स में। बिल्कुल बिल्कुल, जब उनके साथ वो तो अपने आप में एक लेजेंड है, हाईएस्ट विकेट टेकर है अब तक। जाहिर
सो उनके जी साथ जी जी ड्रेसिंग रूम शेयर करना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला हसीब से और मुरलीधरन दोनों से, जिनको बोला जाता है मिस्टर ग्रेट, सो दोनों से काफी कुछ सीखने को मिला। ओके ओके। तो अच्छा बेसिकली यूपी में भी आपने यूपी को रिप्रेजेंट किया बहुत समय तक, तो बिल्कुल यूपी बिल्कुल में आप रमेश कुमार के साथ खेले, आप सुरेश रैना के साथ खेले एंड मेनी प्लेयर्स लाइक, बिल्कुल तो बिल्कुल रैना बिल्कुल भाई आपके साथ सीएसके में भी थे, यूपी में भी थे, तो रैना भाई से बिल्कुल आई गेस आपकी काफी अच्छी दोस्ती होगी। बिल्कुल। देखिए रैना भाई और मैं दोनों गाजियाबाद से भी हैं, सो हम लोग जी जी पहले जी पहले से एक दूसरे से काफी जानते हैं इन लोगों को। सो जब मैं सीएसके में भी आया तो और अच्छा था, क्योंकि जब दोनों गाजी पहले से साथ में, फिर यूपी से भी खेल रहे थे, तो काफी अच्छा था उनके साथ बॉन्डिंग, चाहे यूपी में हो चाहे उधर हो। और हमारे सीनियर्स और भी काफी अच्छे थे, जैसे कैफ हो गए, आरपी सिंह हो गए, और हो गए हमारे और जितने भी सीनियर्स थे, परमिंदर सिंह हैं एक, वो भी हैं, काफी अच्छे थे वो भी। सो जी जितने भी मैंने हमारे देखा आपको। सीनियर्स थे बहुत हेल्पफुल थे, तो यूपी टीम में जितने हमारे सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे। वैसे लाइक आपने 2007-08 में डेब्यू किया था रणजी का अपना, हाँ जी और अभी आप हम 2020 के सीजन में आ चुके हैं, हाँ जी हाँ जी 19 का सीजन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ था लॉकडाउन के पहले, तो बिल्कुल। 10 साल में रणजी क्रिकेट किस तरह बदला है, क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या लगता है कि लाइक हाँ ओवरऑल द दस स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट, जी, स्टैंडर्ड बिल्कुल कैसे बिल्कुल बदला है? स्टैंडर्ड मेरे को लगता है अभी काफी चेंज हुआ है लास्ट 3-4 ईयर्स से, आई थिंक 6 ईयर्स से। पहले रणजी ट्रॉफी एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता था, लोग बाग रणजी ट्रॉफी को बहुत, मेरे को जो लगता है अभी मैं देख रहा हूँ, बहुत सीरियसली लेते थे कि नहीं हमको रणजी ट्रॉफी खेलना है, हमको अपने स्टेट के लिए खेलना है। एक प्राइड होता था कि नहीं रणजी ट्रॉफी, अगर हम अपने अपने स्टेट के लिए खेल रहे हैं, एक प्राइड होता था। रणजी ट्रॉफी का जो लोगो होता है ना स्टेट का, तो उसके लिए लोग बाग काफी मतलब आते थे। अभी लास्ट 5-6 ईयर से बहुत चेंज हुआ है, लोग बाग जितने भी प्लेयर्स हैं या जो भी हैं बच्चे हैं, वो आजकल शॉर्टकट लेना बहुत पसंद कर रहे हैं कि नहीं हम सीधा सिर्फ आईपीएल खेलें, रणजी ट्रॉफी ना खेलें, कहीं अगर हम रणजी ट्रॉफी खेलेंगे तो हम इंजर्ड ना हो जाएं। सो ये बहुत गलत है मेरे को लगता है। अगर आप देखे कोई भी प्लेयर हो, अगर वो 4 डे में अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली 2020 में अच्छा करेगा, क्योंकि 4 डे ही रियल क्रिकेट है, चाहे टेस्ट मैच ले ले या रणजी ट्रॉफी बोलते हैं जिसको 4 डे। जाहिर सी बात है भाई, सो आप उसमें अगर अच्छा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप 1 डे T20 में अच्छा करेंगे, क्योंकि आप अगर 4 डे में 20 और 25 ओवर्स डाल रहे हैं पर डे, सो आप इजिली 4 ओवर डाल सकते हैं उसमें, और अच्छे है उसमें डाल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपका लास्ट स्टेमिना भी बढ़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल लास्ट 5-6 ईयर से बहुत अप्रोच बदला है प्लेयर्स का, जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं, मेरे को लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं, सीधा सोचते हैं कि हम आईपीएल खेलें, रणजी ट्रॉफी को इतना अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। वो एक जज्बा होता था पहले, आई थिंक मैं बोला ना आपको स्टार्टिंग में कि नहीं वो हमको एक लोगो है हमारे स्टेट का, हमको अपने स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी जिताना है, तो जब तक आप में वो नहीं जी होगा सो वो फायदा नहीं है उस चीज का। तो मेरे को लगता है अभी काफी चेंज आया है, आई थिंक T20 की वजह से, तो हाँ चेंज बेसिकली, तो तो आया है। बिल्कुल सही आपको बोले, लगता है कि अब जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जो लाइक उसमें वो स्टेट को रिप्रेजेंट करने की इतनी लाइक जुनून नहीं है इन कंपैरिजन, लोग सोचते हैं कि आईपीएल खेले लाइक बिल्कुल टेक सम बिल्कुल 20-18 विकेट्स, हिट बिल्कुल अबाउट बिल्कुल 400-500 रन्स एंड बिल्कुल यू आर बिल्कुल इन द कंटेंशन फॉर इंडियन टीम। बिल्कुल बट बिल्कुल आई फील जब से सौरव गांगुली बने हैं लाइक प्रेसिडेंट, तो उन्होंने काफी फोकस शिफ्ट किया है वापस रणजी ट्रॉफी पे, और कुछ दिन बिल्कुल पहले मैं सुन रहा था उन्होंने जो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स को शुरू कराने की बात करी है जैसे न्यू अप्रोच, तो आपको क्या लगता है कि हाउ इट विल हेल्प द डोमेस्टिक प्लेयर्स ऑफ इंडिया? नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वो सौरव गांगुली का। आई थिंक जब से वो आए हैं थोड़ा बेटर होगा, वो थोड़ा रणजी ट्रॉफी पे और डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत अभी वो जोर दे रहे हैं कि नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा अच्छा, क्योंकि जब तक आपका डोमेस्टिक क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगा तो आपको अच्छे प्लेयर नहीं मिल पाएंगे, आपको अपना डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और जो रही बात इसकी जो आप बोल रहे थे कि वो प्लेयर्स को मंथली और पेंशन देने का वो कर रहे हैं, सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो इससे एटलीस्ट जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में नहीं खेल पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उनको एक वो लगेगा कि अंदर से कि नहीं हमको और मेहनत करनी चाहिए। सो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव बाय सौरभ गांगुली। लेकिन सिग्निफिकेंस पता चलेगी रणजी ट्रॉफी की और मतलब डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की अलग से भी, जो कि आज से 10-12 साल पहले बहुत समझते थे प्लेयर्स। बिल्कुल इनफैक्ट बिल्कुल एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मैं भी बहुत क्लोजली फॉलो करता था उस समय बिल्कुल क्रिकेट को, और ज्यादा कि ट्रॉफी के स्कोर्स क्या चल रहा है और तमाम चीजें, ईरानी कप एंड ऑल। तो बिल्कुल बेसिकली अभी तो सब बंद चल रहा है, बट आई इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर यू आई गेस, आपको क्या लगता है आईपीएल 2020 ये होगा कि नहीं होगा इस साल, मतलब व्हाट आर योर व्यूज एज फॉर नाउ?
नहीं यार, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो 50-50 है. अभी जो सिचुएशन है, तो अभी की जो अभी लेटेस्ट सिचुएशन है, आपको पता ही है, अभी तो जितने केसेस हैं वो बढ़ ही रहे हैं, कम तो हो ही नहीं रहे हैं. जी सो अगर आईपीएल होता भी है तो डेफिनेटली विदाउट क्राउड ही होगा. सो क्राउड के साथ तो होगा भी नहीं. सो लेट्स सी अभी क्या होता है नेक्स्ट. एक 1 या 2 मंथ्स में पता लगेगा कि अभी आईपीएल होता है या नहीं होता है. सो अभी के लिए तो अभी वो कुछ भी टेंथ श्योर जून नहीं है. को जी, अभी वो 10 जून को वैसे भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डिसीजन ले लेगा, वर्ल्ड कप होगा कि नहीं होगा, T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल तो आई बिल्कुल गेस वो बिल्कुल विंडो अगर खाली हो गई तो वहां पे हो सकता है आईपीएल। और कल बिल्कुल ही मैं पढ़ बिल्कुल. रहा था हाँ एक जी, जी हाँ जी जी कल ही बोलिए. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में केसेस बहुत डाउनफॉल हो गए, शायद बिल्कुल ऐसी बात चल रही है कि आईपीएल को वहां शिफ्ट कर दिया जाए आईपीएल। बिल्कुल. अगर अगर ऐसा है तो देखिए, मेरे को तो अभी पता नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में कम हो गए हैं तो हो सकता है कि आईपीएल वहां हो जाए. तो पता नहीं यार, वो बीसीसीआई का डिसीजन है कैसे क्या नहीं. तो मतलब कुछ भी टूर्नामेंट, तो उसमें थोड़ा ज्यादा लॉजिस्टिक का ऑलराइट बहुत प्रॉब्लम होता है, कैसा है क्या है. सो वो बीसीसीआई को डिसाइड करना पड़ेगा कि यार अगेन इंडिया में अलाउड। कराना है या फिर, क्योंकि अगर इंडिया में कराना पड़ेगा तो विदाउट क्राउड ही कराना पड़ेगा, तो उसके बिना ही हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता आई थिंक. जी, सही बात है। बिल्कुल. तो क्या फिलहाल मतलब ये लाइव इसीलिए मैं आया था, मुझे लगता है आपको जिम हिट करना होगा थोड़ी देर में, आपका जिम का टाइम हो रहा है लाइक यू टोल्ड अस बिल्कुल बिल्कुल. मेरे को 5 क्या टाइम अभी, जस्ट या 5 मिनट्स में 41। मैं निकलना है. तो या हाँ इसलिए वही एक्चुअली थोड़ा सा लाइक मैं भी लाइक जो व्यूअर्स को सॉरी कहना चाहूंगा, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से थोड़ा लाइव में टाइम ज्यादा हो गया, तो बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ वेयर जी. इज इंडियन क्रिकेट हेडिंग टुवर्ड्स, व्हाट यू फील? नहीं, मेरे को अभी जहाँ इंडियन क्रिकेट को आप देखेंगे, बहुत अच्छा जा रहा है अभी. सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स है अभी इंडियन टीम का पूरे वर्ल्ड में. तो और स्पिनर्स भी अच्छे हैं, और जो कैप्टन है विराट कोहली, बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं टीम को. सो जी बिल्कुल राइट पाथ पे जा रहा है इंडियन क्रिकेट. होपफुली जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा वो हम लोग ही जीते. सो बिल्कुल राइट पाथ पे हाँ, आई है. गेस अभी बहुत टाइम से नहीं आया था। एंड अबाउट बिल्कुल यू लाइक बिल्कुल. व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स एज फॉर नाउ, ये भी हमें जानना था। फ्यूचर प्लान्स तो भी है कि यार मैं अभी रणजी ट्रॉफी खेलना है, तो जितना हो हैदराबाद से सकेगा अभी हैदराबाद से है या जो भी स्टेट्स है, मैं देखता हूँ क्या है कैसे. अभी 3-4 साल और रणजी ट्रॉफी खेलना है, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर प्लान्स क्या है. सो आई अभी तो फील कुछ लाइक 5-6 years से ग्रेट, आप में अभी भी आराम से बाकी है, और अ वन गुड बिल्कुल सीजन एंड यू आर बैक इन द इंडियन टीम, दैट्स नॉट अ बिग थिंग बिल्कुल फॉर यू एट बिल्कुल. लीस्ट। एक सीजन का एक, एक एक अच्छा सीजन अगर जाता है तो चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, यस वो काफी हेल्पफुल रहता है. सो देखिए नेक्स्ट सीजन में क्या हाँ होता है. बेसिकली आपकी लाइन लेंथ तो स्विंग है, मुझे लगता है कि आप के लिए इतनी बड़ी चुनौती नहीं होगी वापसी करना, आपको अ वन गुड बिल्कुल सीजन बिल्कुल एंड यू आर बैक इन द कंटेंशन एनी हाउ लाइक, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू थैंक यू. बिल्कुल फास्ट बॉलर्स से इंजरीज हुआ करती है, एनी टाइम यू कैन मेक अ कमबैक, यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ कमबैक। फास्ट बिल्कुल बॉलर्स हैं, बिल्कुल. अब इस समय इंडियन सेटअप में अच्छे बॉलर्स हैं, जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर्स हैं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बट स्टिल इंजरी एक ऐसी चीज है, आप देखिए एक साथ हिट कर जाए 2-3 फास्ट बॉलर्स को एंड यू हैव अ हाईएस्ट विकेट टेकर बिल्कुल एंड यू आर बैक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यू आर राइट, यू सही बोला. यू मस्ट बी लुकिंग फॉर लाइक इंडियन टीम कॉल अप आई फील। बिल्कुल बिल्कुल यार. मैं क्या मतलब, एक एम एक ही रहना चाहिए मेरा भी, एक हर किसी का भी एम एक ही रहना चाहिए कि आपको कंट्री के लिए खेलना है. जी जैसे मैंने बोला, शॉर्टकट नहीं कि सिर्फ आईपीएल खेल के आप हो रहे हैं, संतुष्ट हो जाएं, यस मतलब जो यस कहते हैं. मैं तो ये बोलता चाहूँ, जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी लोग हैं, सिर्फ अपना कंट्री के खेलने के लिए सोचें और उसके लिए हार्डवर्क करें. दैट्स इट. जी, क्योंकि आप भी आईपीएल के पहले के ही मटेरियल हो, आप आईपीएल से नहीं आए हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर हो, बिल्कुल तो बिल्कुल आप जानते बिल्कुल हो उसकी वैल्यू क्या है, आप जानते हो हार्ड वर्किंग क्या बिल्कुल होता है, वो टफ टाइम्स क्या होता है वो आप जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल. सो वही मैं जी जैसे बोला कि आईपीएल एक अच्छी चीज है, मैंने बोला ना एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है, लेकिन आईपीएल ही ना सोचे केवल, आप अपने स्टेट के लिए सोचें कि आपको अपने स्टेट के लिए खेलना है. और मेन एम जो होना चाहिए हर क्रिकेटर का, वो रहना चाहिए कि मेरे को अब कंट्री रिप्रेजेंट करना है अपना. तो जब आप जी बड़ा जी एम जी सही रखेंगे, सो जब ही आप सक्सेसफुल होंगे. फॉर श्योर फॉर श्योर। तो बिल्कुल बिल्कुल चलिए आगे से आपका जिम का टाइम हो रहा होगा, विल नॉट बिल्कुल इंटरफेयर बिल्कुल योर लाइक फिटनेस इन ट्रेनिंग, एंड बिल्कुल मैं बिल्कुल. आपको
वी गॉट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लाइक योर अपकमिंग सीजन एंड द इंडियन टीम कम बैक. बिल्कुल बिल्कुल देवांश, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. और आपका, आप और आपका चैनल भी बहुत अच्छा सक्सेस करे. सो फ्यूचर में हम और बात करेंगे. बिल्कुल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. ओके, थैंक यू टू यू एज़ वेल. ओके, सो गाइस, हम लोग अभी इस लाइव को यहाँ पे एंड कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारे साथ. हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए.